सभी माहौल बन गया था, क्योंकि शहर का पूरा समाज के सभी वर्ग, जिसमें जनप्रतिनिधिगण भी थे, अलग अलग व्यापारिक एसोसिएशन भी थे, रहवासी संघ भी थे, धर्मगुरु भी थे, सभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। ये समाज के सहयोग से पूरा ही एक बड़ा फिगर आया, जिसमें कि इंदौर देश में वो पहला शहर हो गया जिसने सर्वाधिक संख्या में एक दिन में वैक्सीनेशन किया है, कोविड वैक्सीनेशन किया है अब तक का। कार्य करते हैं तो थोड़ी बहुत, कई बार सभी लोग प्रेशर में काम कर रहे थे, उत्साह से भी काम कर रहे थे, थोड़ी लापरवाही जब देखने को मिलती है तो प्रशासनिक कसावट के लिए कुछ को शोकास नोटिस वगैरह देना जरूरी रहता है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि कार्रवाई करने की मंशा है, क्योंकि उसके बाद उन अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसमें अभी तक का आंकड़ा 2,12,000 का पहुँच गया था, और निरंतर 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है पोर्टल को अपडेट होने में। अभी चूंकि कई केंद्रों पर अभी भी टीकाकरण चल रहा है, और जो बीच में 2 घंटा सर्वर डाउन था पूरे देश में, उसमें भोपाल से निर्देश हम लोगों को ऑफलाइन करने के मिले थे, उसमें हम लोगों ने ऑफलाइन किया, तो वो भी डाटा अपलोड हो रहा है सब पूरा। तो मुझे लगता है कि निरंतर ये 9-10 बजे तक फाइनल फिगर आएगा इसमें, और उम्मीद है कि 2 लाख 2.25 लाख से 2.5 लाख तक का फिगर ये जाना चाहिए। ये यहाँ निर्णय लिया है प्रभारी प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी और गौरव जी, सब जो हम लोग बैठते हैं उसमें, अभी और अभी उत्साह है लोगों में। अभी हम लोग जो सेशन साइट्स क्रिएट करेंगे उसमें लोगों का आना हो जाएगा। जब ऐसा लगेगा कि अंत में 2-3 लाख 4 लाख बचे हैं और मूवमेंट कम हो रहा है, उन परिस्थितियों में अभी हम लोगों ने राशन के मामलों में तो कर दिया है कि उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया है। ग्रेजुअली फिर उनका मूवमेंट अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग उसमें होगी, चाहे सरकारी ऑफिसेज हों, मॉल्स हों, बाजार एसोसिएशन हों, रहवासी संघ हों, और जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं उसमें कहीं ना कहीं उनसे एप्लीकेशन के साथ में सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा वैक्सीनेशन का, ताकि जो लोग किसी भी कारणों से लगवाने में हिचक रहे हैं वो भी लगवाने के लिए कंपेल हो, क्योंकि किसी व्यक्ति को भी बिना वैक्सीनेशन नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो न केवल खुद के लिए खतरा साबित होगा बल्कि हमारे 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनके लिए भी खतरनाक साबित होंगे वो। इसलिए किसी को भी ये अलाउ नहीं रहेगा कि 18 प्लस से व्यक्ति बड़ा हो और वो वैक्सीनेशन ना कराए। मोबाइल पे लोगों के जैसे ही उसको क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं और वैक्सीनेशन का आता है, उसमें वो लोग खुद ही उस वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर प्रिंटर और कागजों की व्यवस्था थी हम लोगों की, वहाँ हम लोगों ने उनको सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में भी दिया है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।